everyone, welcome back to another video. आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स उसको पसंद भी करते हैं इस टॉपिक को। वैसे टॉपिक आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम मौसम से पूछ लेते हैं। टॉपिक है टॉप 12 अपकमिंग SUVs इन इंडिया 2021 विद प्राइस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। What is up guys, welcome back to the channel India Sonic। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 12 अपकमिंग SUVs जो लॉन्च होने वाली है 2021 में। इनमें से काफ़ी सारी कार्स 2020 में ही लॉन्च होने वाली थी, पर कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से सारी लॉन्चेस डिले हो गई। 2021 में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग कार लॉन्चेस देखने वाले हैं, पर आज हम सिर्फ SUVs की ही बात करेंगे जो इस साल इंडिया में आने वाली हैं। मलाई है। तो चलिए अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 12 पर हम देखेंगे फोर्ड EcoSport, जिसे इस साल एक बहुत ही बड़ा अपडेट मिलने वाला है, जिसकी इसको काफ़ी टाइम से ज़रूरत है। EcoSport को कुछ मेजर अपडेट्स ना मिलने की वजह से थोड़ा कॉम्पिटिशन से पीछे पड़ गई है ये, पर 2021 में इसे फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है, जिसका थोड़ा सा फ्रंट लुक लीक भी हो चुका है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो काफी यूनिक डिजाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू फोर्ड EcoSport से। गाड़ी के लॉन्च की बात करें तो ये मिड 2021 में लॉन्च होगी, जून और अगस्त के बीच में आ सकती है। गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस 8-13 लाख इंडियन रुपीज है। नंबर 11 पर है टाटा हेक्सा BS6। अब ये अपडेट भी लॉन्ग अवेटेड था, क्योंकि हेक्सा को डिसकंटिन्यू हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब तक इसका BS6 वर्जन नहीं आया। हालांकि 2020 में ही लॉन्च होने वाली थी, पर लॉकडाउन की वजह से डिले हो चुकी है। गाड़ी के लुक्स में ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाले, शायद कुछ न्यू फीचर्स हमें देखने मिले। BS6 मॉडल कई बार टेस्टिंग पर भी हम देख चुके हैं, तो जल्द ही मार्च 2021 के अराउंड इसकी लॉन्च भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी की प्राइस 14-20 लाख इंडियन रुपीज़ के बीच हो सकती है, और 4x4 भी एज एन ऑप्शन हमें मिलेगा। ये बड़ी सी चीज़। नंबर 10 पर है टेस्ला की मॉडल X। टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में एंटर कर रही है अपने मॉडल 3, जो उनकी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार है, पर जो इनकी मॉडल X SUV है वो इस साल के आखिर में आएगी। ये कार्स इंडिया में इंपोर्ट करवाई जाएंगी तो एक्चुअल प्राइस से 2 गुना से भी ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल X अमेरिका में 60 लाख इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होती है, पर इंडिया में ये अराउंड 2 करोड़ इंडियन रुपीज़ के आसपास अवेलेबल होने वाली है। क्या आपको लगता है कि टेस्ला की कार्स पॉपुलर रहने वाली है इंडियन मार्केट में? टॉप राइट कार्ड में अपना ओपिनियन बता देना। नंबर 9 पर हम देखेंगे स्कोडा कुशाक। ये स्कोडा की क्रेटा और सेल्टोस राइवल रहने वाली है, तो इसकी प्राइस आप 10-16 लाख इंडियन रुपीज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे सस्ती स्कोडा की SUV है इंडिया में, जो मार्च महीने के आसपास लॉन्च होने वाली है। अब आते हैं नंबर 8 पर, जहां है महिंद्र स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट। इस वर्जन में हम काफी सारे चेंजेस देखने वाले हैं। गाड़ी न्यू लुक्स, कम्प्लीटली न्यू इंटीरियर्स और अपडेटेड लैडर फ्रेम शासी के साथ आने वाली है, जिससे इसकी लेंथ और विड्थ भी बढ़ाई जाएगी। स्कॉर्पियो मिड 2021 में आने वाली है, जून और अगस्त के बीच में। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 12-16 लाख इंडियन रुपीज़ है, और शायद इस साल सेफ्टी में भी स्कॉर्पियो अच्छे नंबर लाए। नंबर 7 पर है किया सोरेंटो। ये किया की 7-सीटर SUV है, जो टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और अपकमिंग 7-सीटर ह्यंडे क्रेटा से डायरेक्टली कम्पीट करेगी। किया सेल्टोस और किया कार्निवल के बीच में प्राइज्ड होने वाली है ये गाड़ी, और बाकी किया कार्स जैसे ही काफ़ी अच्छे और मॉडर्न लुक्स के साथ आएगी। अगस्त 2021 में हम इसकी लॉन्च एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस अराउंड 20-25 लाख इंडियन रुपीज़ रहने वाली है। नंबर 6 पर है सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस। अब ये एक बिल्कुल न्यू कंपनी है जो फ्रांस से ओरिजिनेट करती है, तो आप इसे चाइनीज मत समझना।
C5 Aircross सिट्रोएन की पहली कार रहने वाली है इंडिया में। ये एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV है जो Hyundai Tucson और Volkswagen Tiguan से कम्पीट करेगी। गाड़ी में काफ़ी अच्छे लुक्स और प्रीमियम इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी लॉन्च मार्च 2021 में हो सकती है। सिर्फ एक ही फुली लोडेड वेरिएंट में ये कार आने वाली है जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 30 लाख इंडियन रुपीज है। इतना होना भी चाहिए, जो भी हम देख रहे हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, जहां पर है द मोस्ट अवेटेड मारुति सुजुकी जिम्नी। 3-डोर वेरिएंट की प्रोडक्शन चालू हो चुकी है इंडिया में, पर ये यहाँ पर सेल नहीं होती, सिर्फ एक्सपोर्ट होती है। इंडिया में हमें 5-डोर वाली जिम्नी देखने मिलेगी जो डायरेक्टली महिंद्र थार से कम्पीट करेगी। गाड़ी का लुक काफी यूनिक है। रिसेंटली महिंद्र थार के बढ़िया रिस्पॉन्स को देखकर शायद ये भी बहुत पसंद आने वाली है लोगों को। जिम्नी सितंबर में लॉन्च होने वाली है, दिवाली सीजन से पहले। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 8-12 लाख इंडियन रुपीस। नंबर 4 पर हम देखेंगे टाटा सियेरा। टाटा अपने आइकॉनिक सियेरा डिजाइन को वापस लाने वाली है एक मॉडर्न अंदाज में। ये कार फुली इलेक्ट्रिक रहने वाली है और टाटा नेक्सॉन ईवी में जो बैटरी मिलती है उसका अपग्रेडेड वर्जन यूज करने वाली है। इसमें जो मोस्ट अवेटेड फीचर है वो है 4x4। अब एक ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज कैसी होंगी वो तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चलेंगी, जो होने वाली है लेट 2021 दिसंबर में। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 14-18 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 3 पर है 7-सीटर Hyundai Creta। अब जैसे टाटा ने हैरियर की साइज बढ़ाकर सफारी बना दिया, वैसे ही Hyundai अपने Creta के साथ करने वाली है। रियर साइड से गाड़ी को एक्सटेंड करके 2 और सीट इसमें ऐड करेगी और इसका नाम भी क्रेटा से अलग ही होगा। गाड़ी कुछ ऐसी दिखने वाली है और ऑलरेडी टेस्टिंग करते हुए स्पॉट भी हो चुकी है। इसकी लॉन्च हम 2021 नवंबर या दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी प्राइस क्रेटा से थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, अराउंड 13-18 लाख इंडियन रुपीज़। नंबर 2 पर हम देखेंगे महिंद्र XUV 500 फेसलिफ्ट। ये भी 2020 में ही लॉन्च होने वाली थी, पर अब जल्द ही मार्च 2021 तक आ सकती है। इसमें हम एक नया और एग्रेसिव फ्रंट लुक देखने वाले हैं, जैसे हर XUV 500 के वर्जन में हमें देखने मिलता है। इसमें इंटीरियर्स भी ज़्यादा प्लश और फीचर लोडेड रहने वाले हैं। गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस 13-19 लाख इंडियन रुपीज़ है। अब आते हैं नंबर 1 पर, जहां पर है टाटा HBX। ये जो नया ट्रेंड आ रहा है माइक्रो SUVs का, जिसमें हमने निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर देखी, बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है अपने एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से। HBX भी इन दोनों से कम्पीट करेगी। गाड़ी में SUV जैसे बोल्ड स्टाइलिंग मिलती है बाहर और अंदर भी। ये जल्दी लॉन्च होने वाली है मार्च 2021 के आसपास। इसकी प्राइसिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाली है इस कम्पेटिटिव सेगमेंट में। 4.5 से लेकर 7.5 लाख इंडियन रुपीस तक हो सकती है ये गाड़ी। और अगर कंसेप्ट जैसे ही बढ़िया लोग टाटा ने ऑफर किया तो मैग्नाइट और काइगर दोनों को आसानी से पीछे छोड़ देगी HBX। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस लिस्ट में से सबसे ज़्यादा कौन सी कार के लिए आप वेट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूं जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। भाई सच्ची बात है, आप लोग ही मुझे लगे गाड़ियों के मामले में। एक तो सस्ती बहुत है, ऊपर से यह बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं और वैरायटी देखकर तो दिल करता ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। बट मैं यहाँ पर जो लेना चाहूंगी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अभी वीडियो स्टार्ट हुई और मैं बता रही हूँ कि मैं कौन सी वाली गाड़ी। टेस्ला नहीं, टेस्ला भाई इतनी मेरी औकात नहीं है टेस्ला लेने की। लेकिन हाँ एक बात है, टेस्ला गाड़ी शक्ल से ही उसकी खूबसूरती की मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे उसको एक्सप्रेस करूं कि वो कितनी खूबसूरत और डिफरेंट लग रही है। यार वाकई टेस्ला की गाड़ी जो है ना, वैसे मैंने टेस्ला की गाड़ियां बहुत कम देखी हैं, लेकिन ये वाकई जो इसमें देखी है
कमाल और थी। उसके डोर्स भी ऐसे कैसे ओपन होते बटरफ्लाई डिफरेंट से। हाँ मतलब नहीं, बटरफ्लाई नहीं कुछ हो रही था जो भी, लेकिन ये कार्स के कभी भी हम लोगों ने इस तरह के डोर्स नहीं देखा कि इस तरह से खुलते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि देखो जितनी भी गाड़ियां ना उनकी प्राइस रेंज, मतलब एक दो को निकाल कर सबकी प्राइस रेंज 10 लाख से 20 लाख के बीच में हम लोगों को मिली, यानी कि बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अच्छी प्राइस के साथ। यानी कि इन शॉर्ट 15 लाख रुपए के अंदर आपके पास एसयूवी खरीदने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। 7.5 लाख की मिनी एसयूवी आपको मिलने का ऑप्शन मिल रहा है टाटा की तरफ से। आई विश मैं भी इसको खरीद सकती कसम। मैं अगर पाकिस्तान में बात करूँ ना तो मेरा ख्याल है कि भाई 40-50 लाख रुपए से नीचे आपको एसयूवी मिल ही नहीं सकती। पर 7.5 लाख की वो गत्ता गाड़ी नहीं आती है। सही बात है, आप तो गत्ता गाड़ी नहीं 7.5 लाख रुपए की आती। और मैं सोच के हैरान हूँ 7.5 लाख की इतनी खूबसूरत गाड़ी। वो जो है ना किसी ने पिछले दिनों पोस्ट डाली हुई थी, मेहरान इज नॉट अ चॉइस इट्स अ मजबूरी। बाकी मजबूरी है, कभी चॉइस नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इंडिया में बहुत ज्यादा मार्केट है गाड़ियों की, और ऑब्वियसली जितनी मार्केट है लोग भी बायर्स भी उतने ज्यादा है वहां पर। और पता है कि जितनी भी हम लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियां और उनके जितने भी मॉडल्स हैं वो किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जिस तरीके से उनको रैंप पर लाया जाता है, उनकी चकाचौंध दिखाई जाती है। जब हम जैसे किसी मतलब औरतों की मैं बात बताती हूँ कि जब बाजार जाती है तो वहां पर उनको अच्छे अच्छे कपड़े ऐसे नजर आते हैं ना, कहते मैं ये भी ले लू वो भी ले लू, गाड़ियां इस तरह से प्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, वहां मन करता है भाई ये भी खरीद ले। बाकी यार जो दो चीजें ऐसी हैं, एक गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल्स, ये दो चीजें ऐसी हैं इंडिया में जो इसमें वाकई बहुत ज्यादा वैरायटी है और प्राइस रेंज ऐसी है कि आपका दिल करता है कि आप जो है इसे खरीद लें। मैं पिछले दिनों भाई को बता रहा था कि हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो है रिसेंटली अपने भाई को ये जो दिवाली गुजरी है उस पे बुलेट 350 cc जो है गिफ्ट की है 2 लाख रुपए की। तो भाई चाहिए, भाई कहता सिर्फ 2 लाख रुपए की, मैं कहा हाँ सिर्फ 2 लाख रुपए की। यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर पैसे की वैल्यू कितनी कम है, कम है। आप ये देखेंगे हम लोग ये सोचते हैं अब वो 2 लाख अगर यहाँ पर 4 लाख, एंड आई एम श्योर कि अगर बुलेट यहाँ पर मिलती है ना तो लोग 4 लाख में भी खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी, यहाँ पे 350 cc तो आप सोचे ही ना ना कि आपको 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मिलेगी, क्योंकि आप ये सोचे 125 यहाँ पे 2 लाख रुपए का मिल रहा है, जो यामाहा का 125 है वो 1,96,000 रुपया उसकी अब कीमत है, और जो दूसरी है जो इसे ऊपर चली जाती है वो यानी कि 150 cc यामाहा की वो 3.5 से 4 लाख रुपए की है। आप ये सोचे 150 cc इतने की है तो 350 cc कितने की होगी, 10-12 लाख से कम की नहीं होगी। ये सोच रही कि हम गाड़ियों की यहाँ पर डिस्कशन करते हैं क्योंकि गाड़ियों से रिलेटेड टॉपिक है, बाइक्स वाले हम देखेंगे तो बाइक्स की डिस्कशन करेंगे। बट हाँ मैं ये बात बोलूंगी कि यहाँ पर बहुत कम एक तो हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं, फिर उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा वहां पर फायदा ये कि आपके पास इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं और आपके पास लोकल ब्रांड्स भी हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उससे आपको कितना ज्यादा फायदा होता है कि एक आम आदमी की पहुंच में भी वो चीज आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये बात तो सही है। अच्छा हमने जो है जो सुजुकी की गाड़ी देखी, सुजुकी जिमी जो है उसकी प्राइस से इंडिया में 4.5 लाख रुपए से लगभग स्टार्ट हो रही थी, और पाकिस्तान में उसकी आप प्राइस खुद बताएं जरा। मैं बता सकती हूं, नहीं बताएं ना, तकरीबन 45 लाख है, तकरीबन 45 लाख पाकिस्तान में उसकी प्राइस है, तो आप खुद ही फर्क सोच लें कितना ज्यादा है। वैसे मौजम अच्छा मैं पूछना चाहूंगी मौजम से कि मौजम आप कौन सी गाड़ी ले, मैंने तो बता दिया भाई मैं तो छोटी सी बंदी हूं तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक चीजें पसंद। मैं अगर बात करूं मुझे 2 गाड़ियां जो है पसंद आई हैं, एक जो है एयर क्रॉस पसंद आई है और एक जो है ना महिंद्रा मुझे पसंद आई है। ओके स्कॉर्पियो मुझे वैसे सारी पसंद आई है, लेकिन खरीदने के लिए मैंने बता दिया कि मैं कौन सी खरीदना चाहूं। और जिमी की मैं यहाँ पे प्राइस पे करना चाह रहा हूँ 8 से 12 लाख रुपए इंडियन रुपीज है। फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी ये बगैर जो है डॉक्यूमेंट्स के 45 लाख रुपीज 44.9। और अब देखो अगर हम इंडियन करेंसी को डबल भी कर दें तो फिर भी इतना नहीं बनता यहाँ पर ज्यादा। तो यही तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर क्या इतनी प्रॉब्लम है। एनीवे गाइस ओवरऑल हम लोग को बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, जब भी हम लोग नई नई चीजें देखते हैं तो हमें बड़ी शिद्दत
हिदक से महसूस होता है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ये कि शायद आने वाले टाइम में हो जाएगा, लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। बट हाँ, बाइक्स की जैसे मौजूद बात की, ये चीज़ में एक डिफरेंस नज़र आता है कि अभी बहुत सारे लोग वो स्विच कर रहे हैं, और तो वो इंडिया में बहुत पहले आई है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि लोग जो उनसे वो थोड़ा स्विच करना शुरू हो गए चीज़ों पर। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे, या आपके पास कौन सी गाड़ी, महिंद्रा, टाटा या फिर किया या फिर टेस्ला? टेस्ला कौन खरीदना चाहेगा, ये जरूर बताना। सच्ची टेस्ला तो वैसे सेलिब्रिटीज ही खरीदेंगे ज्यादातर, बिजनेसमैन भी खरीद सकते हैं यार, तो बिजनेसमैन सेलिब्रिटी होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं अमीर वो। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, बट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है इसमें से, और कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे। और हमें ज्यादा हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।